हाँ, सलमान खान ने साबित कर दिया कि आधुनिकता लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाने में नहीं। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म 21 अप्रैल को सिनेमाघरों को हिट करने वाली है। सलमान खान की इस ईद रिलीज में सलमान के साथ पलक तिवारी भी दिखाई देने वाली हैं। हाल ही में पलक तिवारी ने सलमान खान को लेकर कुछ ऐसा डिटेल शेयर किया है जिसे सुनकर हर कोई उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। मालूम हो कि अपनी सभी फिल्म में सलमान खान नो किसिंग पॉलिसी अप्लाई करते हैं। वो ना तो कभी अपनी एक्ट्रेस को ऑन स्क्रीन किस करते हैं और ना ही ऐसा कोई सीन अपनी फिल्म में रखते हैं। अब पलक तिवारी ने सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में बताया है कि सलमान खान किसी का भाई किसी की जान के सेट पर लड़कियों से पूरे कपड़े पहनकर आने के लिए कहते थे। पलक ने खुलासा किया कि सलमान सर का एक नियम था कि मेरे सेट पर किसी भी लड़की की नेक लाइन नजर नहीं आनी चाहिए, सभी लड़कियां पूरी तरह से ढकी हुई होनी चाहिए, पूरे कपड़े पहनकर आएं अच्छी लड़कियों की तरह। पलक ने आगे कहा कि मेरी माँ श्वेता तिवारी ने जब मुझे शर्ट और जॉगर्स में सेट पर जाते हुए देखा तो पूछ बैठी कि तुम कहाँ जा रही हो, तुमने इतने अच्छे कपड़े कैसे पहने। मैंने कहा मैं सलमान सर के सेट पर जा रही हूँ। मेरी माँ ने कहा वाह बहुत अच्छा। पलक ने जब सब कुछ बताया तो श्वेता बहुत प्रभावित हुई। पलक तिवारी ने सलमान को एक फैमिली मैन कहा और कहा कि लड़कियां जो भी पहनना चाहती हैं उसके साथ वो कूल हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सेट पर लड़कियों की सुरक्षा की जानी चाहिए। पलक आगे कहती हैं कि सलमान को लगता है कि लड़कियां हमेशा सुरक्षित होनी चाहिए और अगर आसपास पुरुष हों और अगर उनका ये प्राइवेट स्पेस ना हो तो ऐसी सिचुएशन में लड़कियों की पूरी सुरक्षा रखनी चाहिए। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, ये तो बॉलीवुड के खुद महादिग्गज अभिनेता ने भी ऐसा ही कह दिया है। इन सब चीजों को लेकर आधुनिकता की जो सोच रखी जाती थी वो आज यहाँ पर ढहती हुई दिखी। आज सलमान खान ने साबित कर दिया कि आधुनिकता लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाने में नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी खबर पर, अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।